श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देवों के देव देवाधिदेव महादेव भी एक ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, या देवता या पातालवासी हो। शिव की भक्ति हर जगह हुई है, जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण के कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे ये भी नहीं देखते कि भक्ति करने वाला कौन है, इंसान है, राक्षस है या किस योनि का जीव है, उसे वह तारते ही हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार कुंतकेश्वर भगवान की कथा कहती है, जो व्यक्ति बच्चा बार बार गिरता हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो या चोट लगती है जिसे बार बार, तो उसके लिए सोमवार की अष्टमी तिथि को, जो कि सावन का चौथा सोमवार को पड़ रही है, 7 सफ़ेद फूल लेकर पानी के लोटे में डालकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। यह सिर्फ सोमवार की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस बार सोमवार की अष्टमी तिथि सावन के चौथे सोमवार को है। सोमवार की अष्टमी तिथि का बहुत ही महत्व है। इस दिन बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो किए जाते हैं। यदि आप घर में शांति चाहते हैं, घर में किसी भी प्रकार की छोटी छोटी बातों पे यदि लड़ाई होती रहती है, तो सोमवार की अष्टमी तिथि को एक उपाय है, एक बेलपत्र लीजिए और शंकर जी के मंदिर पर जाइए। जैसे भागवत का मूल मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह श्री महापुराण का मूल मंत्र होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र की बहुत ही महिमा है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है, तो वो बेलपत्री लेना है जो, और मुख डंडी के साइड रख के उसमें अपना नाम और गोत्र बोलकर डालना है, उस पात्र में डालना है जो ऊपर शिवलिंग पर लगा रहता है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, डंडी के साइड करके फिर डालना है, और उसके ऊपर से एक लोटा पानी में दूध मिलाकर ऊपर से उसमें डाल दीजिए, उस पात्र में जिसमें से बूंद बूंद पानी गिर रहा है। घर में शांति हो जाएगी, क्लेश बिल्कुल भी नहीं होगा। एक और उपाय है जो सोमवार की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जिसको काया का रूप हो जाता है, मतलब जो उसको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, डार्क सर्कल हो जाते हैं आँखों में, या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पर, और वो होता ही रहता है, वो मतलब जड़ से साफ नहीं होता है, तो उसके लिए भी सोमवार की अष्टमी तिथि को अशोक सुंदरी पर दूध और जल दोनों को चढ़ाया जाता है। अशोक सुंदरी वो स्थान होता है जहाँ से शिवलिंग का पानी नीचे की ओर आता है। 3 लाइन होती हैं जिसमें नीचे एक साइड गणेश जी का स्थान होता है, दूसरे साइड कार्तिकेय जी का, और जो बीच में जो लाइन होती है जिसमें से पानी आता है नीचे की ओर, वो अशोक सुंदरी जी का स्थान है। जब आप दूध और जल दोनों को मिक्स करके एक लोटे में रख लें और फिर उसे अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ाएं और नीचे एक पात्र में झेल लें, इसके बाद संध्या के समय उस जल को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना है। जो आप जल झेल के लाए हैं उसे अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा मिला दीजिए, और सोमवार की अष्टमी तिथि को ही नहाना है और उसी दिन ये कार्य करना है। सोमवार की अष्टमी तिथि वर्ष भर में 2-3 बार पड़ती है, तो इस बार ये सावन के चौथे सोमवार को पड़ रही है, तो इस दिन ये अवश्य करें जिसको ये प्रॉब्लम है स्किन डिसीज़ की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।